आखिर सुंबुल के पिता तौकीर खान ने क्यों की ट्रोल्स के खिलाफ FIR दर्ज? सामने आकर खुद जाहिर किया गुस्सा, बताई बड़ी वजह। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस सुंबुल तौकीर खान के पिता तौकीर खान ने उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। उन्होंने ऑनलाइन ट्रोल्स के खिलाफ मामला दर्ज होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है और ये भी बताया है कि जल्द ही ट्रोल्स को नोटिस भी मिल जाएगा। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों सुंबुल के पिता ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो इसके बारे में आपको सारी बातें डिटेल में बताते हैं। दरअसल सुंबुल तौकीर खान के पिता ने FIR की कॉपी का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें सभी ट्वीट के रजिस्टर्ड होने और अलग अलग धाराएं लागू होने का जिक्र है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जल्द ही उन लोगों को नोटिस मिलने वाला है जिन्होंने उनके साथ साथ उनके परिवार का अपमान किया है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। देखा जाए तो ये पूरा मामला सुंबुल और उनके परिवार को बदनाम करने से जुड़ा है। लोग जिस तरह से अलग अलग तरीके से उनके परिवार को निशाना बनाते हैं, ये सभी तौकीर खान ने उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे और हमारे परिवार के खिलाफ पब्लिश या सर्कुलेट किसी भी सभी अपमानजनक पोस्ट से सख्ती से और कानून के अनुसार निपटा जाएगा। मामले दर्ज हो गए हैं और नोटिस भी आने वाला है। धैर्य और भरोसे के साथ सत्य की हमेशा जीत होती है। आपको बता दें कि सुंबुल के पिता तौकीर हसन खान ने पिछले साल दूसरी शादी की थी। सुंबुल की सौतेली माँ निलोफर अपने पहले पति से अलग होकर इस नए रिश्ते में आई हैं। उनकी पहली शादी से एक बेटी इजारा है, जिसके संग सुंबुल अक्सर फोटोज और वीडियो शेयर करती है। तौकीर हसन खान ने 15 जून 2023 को निलोफर के साथ निकाह किया था और अक्सर देखा जाता है या तो सुंबुल को किसी वजह से ट्रोल किया जाता है या उनके पिता को दूसरी शादी करने को लेकर। खैर, अब देखना तो यह है कि इस एक्शन के बाद ट्रोल करने वाले लोग थम जाएंगे या फिर नहीं।